नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। आज संसद में हंगामा ही हंगामा देखने को मिला मिलेगा दर्शकों, क्योंकि हम आपको बताते चलें कि किस तरीके से दरअसल जो है आज संसद का क्या कुछ होने वाला है। आपको ये भी बताते चलें कि अध्यादेश पर क्या कुछ होने वाला है, और आपको ये भी बताते चलें कि मणिपुर पर मामला जो है बहुत आज संवेदनशील रहेगा, क्योंकि आज क्या फैसला लेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, ये सबके अध्यक्ष में रहेगा। लेकिन चलिए सबसे पहले अध्यादेश पर बात कर देते हैं। आज पेश होगा दरअसल जो है अध्यादेश पर बिल, अध्यादेश पर आज लोकसभा में बिल पेश किया जा सकता है, ये सबसे बड़ी खबर। दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग से जुड़ा ये अध्यादेश है, और अध्यादेश को लेकर अरविंद केजरीवाल, देश के गृह मंत्री अमित शाह, तमाम लोग नाराज़गी भी जताते रहे, हमलावर होते रहे और कहते रहे कि अध्यादेश नहीं, ये सबसे बड़ा जो है देश के लिए, दिल्ली के लिए हानिकारक है। इसके लिए विरोध भी होता रहा, प्रोटेस्ट भी होता रहा, और आज आम आदमी पार्टी का फिर से एक बार जलवा हम सबको देखने को मिलेगा। आज एक बार फिर से हम लोगों को देखने को मिलेगा कि किस तरीके से दरअसल जो है अगर हम और आप बात करने की कोशिश करें तो हमारा आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये तमाम चीज़ें हो रही हैं। अध्यादेश पर आज संसद में हंगामा होगा। संजय सिंह वैसे ही सस्पेंड हो चुके हैं, उसको लेकर आम आदमी पार्टी नाराज है, तो आज देखना पड़ेगा अरविंद केजरीवाल जी क्या कहते हैं। देखना पड़ेगा कि दरअसल अगर बात करें हम राघव चड्ढा की तो वो क्या कहते हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी के पास ज़्यादा सांसद है नहीं। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल कि आज क्या करते हैं ये लोग, ये भी देखना पड़ेगा। और आज अध्यादेश पर बिल पास होता है तो आम आदमी पार्टी का किस तरीके का रुख रहेगा, किस तरीके का रवैया रहेगा, इस पर लोगों की निगाहें बनी रहेगी। दर्शकों, आपको क्या लगता है, आज अध्यादेश पास हो जाएगा या फिर वाकई में इसके खिलाफ आज पूरा विपक्ष आवाज़ उठाएगा, क्योंकि कहा था केजरीवाल को तमाम विपक्षों ने कि हम आपके साथ जरूर खड़े रहेंगे। मोहम्मद आसिफ की रिपोर्ट, नेक्स्ट नाइन न्यूज़।